अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुश आमदीद करते हैं आपके अपने शो पे। जज़ाकअल्लाह, आप मेरा साथ देते हो और कॉल्स करने का बेहद शुक्रिया, रेसिपीज़ ट्राई करके उसका फ़ीडबैक देने का बेहद शुक्रिया। हमेशा खुश आबाद रहिए। आज जुम्मा है और आप लोग दरूद शरीफ पढ़ के मेरा साथ दीजिए। हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला, आज हमारी रबीउल अव्वल का पहला जुमा है और अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब पाक के सदक़े में हम सब की दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए और अल्लाह ताला हम सब को प्यारे नबी की रोज़े की ज़ियारत करना नसीब फरमा दीजिए, हमको वहाँ बुला लीजिए और इस महीने में ही हमें बुला ले या अल्लाह, और हम वहाँ खड़े होके प्यारे नबी के रोज़े पे सलाम पढ़ना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आइए दुआ के लिए हाथ उठाइए। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हियो, या कयूम, या ज़ुल्जलाल वल इकराम, या हन्नान, या मन्नान, या फ़तरुस समावात वल अर्द, या रहमर रहीम, या रहमर रहीम, या रहमर रहीम, या समीय दुआ, दुआओं को सुनने वाले रब, हम सब हाथ जोड़ के आपके सामने खड़े हैं। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमा दीजिए, हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। बहुत गुनाह किए हैं, बहुत गुनाहगार हैं, सगीरा गुनाह, जाने गुनाह, अनजाने गुनाह, खुफिया गुनाह, एलानिया गुनाह, बचपन से लेके आज तक जितने गुनाह करते आ रहे हैं, जिनको कभी गुनाह सोचा भी नहीं था कि ये गुनाह है, लेकिन वो आपकी नज़र में गुनाह होता है। या अल्लाह, सबको मौत फरमा दीजिए और हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, उस वक्त तक मौत ना देना जब तक आप हमसे राज़ी ना हो जाएं। या पाक परवरदिगार, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपना रहम और करम फरमा दीजिए। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो परेशानियां टूटी हुई हैं, जो आई हुई हैं, या अल्लाह उसको खैर से, अपनी रहमत से या अल्लाह सबको ख़त्म कर दीजिए। सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना, खैर आफियत के साथ रखना, हर छोटी बड़ी जानी अनजानी बीमारी से बचा के रखना। जितने लोग बीमार हैं, डेंगू का शिकार हैं, छोटी बड़ी जितनी बीमारियाँ, कोविड है, कैंसर है, ट्यूमर है, या अल्लाह जो जो बीमारियाँ हैं, सबको सेहत कामला, आजला, आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाना मेरे रब। या रहमान रहीम, कब्र के अजाब से, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र के कीड़े मकोड़ों से बचा के रखना। मुनकर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना। आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाना। या अल्लाह, हमारा ठिकाना भी आखिरत में जन्नतुल फिरदौस बनाना। या अल्लाह, जहन्नम की आग से बचाना। अल्लाहुम्मा जनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा जनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा जनी मिनन्नार। या रहमान रहीम, जिन जिन के माँ बाप, मेरे माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, आप सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकामात अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, उनकी कब्र में जन्नतुल फिरदौस की खिड़की खोल दीजिए। या अल्लाह पाक, मेरे माँ बाप को भी या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दीजिए। या रहमान रहीम, बहुत सारे माँ बाप परेशान हैं अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए, आप उनका नेक पढ़ने की नसीब खोल दीजिए। कदरदान लोगों से पाला पड़वा दीजिए। या अल्लाह, कदर करने वाले लोग मिल जाएं, नेक परहेजगार लोगों से पाला पड़वाना। या अल्लाह, जो औलाद के लिए परेशान है, जिनको आपने औलाद नहीं दी, आपके लिए तो कोई मुश्किल बात नहीं। या अल्लाह, आप उनको नेक सवाले बड़ी ज़िंदगी वाली औलाद से नवाज दीजिए। या अल्लाह, या अल्लाह, हम सबको अपनी आफियत में रखना, खैर खूबी के साथ रखना, पंच वक्ता नमाजी बनाना, सही और समझकर कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाना। या अल्लाह, बहुत महंगाई का दौर है। या अल्लाह, बहुत महंगाई का दौर है, आप अमीरों पे, गरीबों पे सब परेशान हैं। या अल्लाह, आप सब पर अपना रहम और करम फरमा दीजिए। या अल्लाह, इस मुश्किल दौर से हम सबको बआसानी निकाल दीजिए, हम पर रहम फरमा दीजिए। मालिक, हम सब पर रहम फरमा दीजिए। जो बेरोज़गार है, उनको रिस्क हलाल में, कारोबार में, कमाइयों में उनके बरकतें अता फरमा दीजिए। मेरे रब, मेरी दुआओं में असर दे दीजिए, मेरी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, आज का मेन्यू बहुत ही अच्छा, ठीक है। सब में पहले हम बनाएंगे चिकन चरगा कढ़ाई। चरगा
की कढ़ाई बनाएंगे, ठीक है। और इसके लिए आप चाहें तो आप साबुत चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं साबुत नहीं ले रही, मैं ले रही हूँ 4 पीसेस टिक्का के पीसेस करा के, वो इजी होगी सर्विंग में। वो साबुत मुर्गी को फिर आप इधर से बोटी नोच रहे हैं, उधर से नोच रहे हैं, तो ये कंफर्टेबल रहती है, ठीक है। ये हम बनाएंगे, और हम बनाएंगे उसके बाद बिहारी चिकन कोरमा, और हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का चीज़ केक सैलड। आप इसको एज अ सैलड भी यूज़ कर सकते हो, या आप इसको एज अ डिज़र्ट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी अपनी चॉइस है। ये सैलड के तौर पे भी बहुत मज़े का लगता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, इट्स इंटायरली योर चॉइस। यू कैन सर्व दिस एज अ सैलड और एज अ डिज़र्ट, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। हम बनाएंगे चिकन चरगा कढ़ाई। यहाँ पे मेरे पास 1 किलो चिकन है, जिसके मैंने कराए हैं 4 टुकड़े, और इसको मैं जा रही हूँ मैरिनेट करने। डेढ़ टीस्पून नमक, मीट टेंडराइज़र, ठीक है, 2 टीस्पून लेवल, जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का, वन टेबल स्पून अच्छा, इसके लिए आपको चाहिए 2 तलहार मिर्चें, जिसको आपको सोक करना है, और सोक करने के बाद आपको उसको पीसना है। ये रखी हुई है, मेरे से थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया, लेकिन खैर है। 2 तलहार मिर्चें पीस लीजिए। दही 4 टेबलस्पून, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम इसमें डालेंगे लेमन जूस 2 टेबलस्पून, उसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है। हल्दी 1/2 टीस्पून, चरगा मसाला 1 टेबलस्पून, मिलता है आपको बाज़ार में। नेक्स्ट टाइम मसालों में ये भी सिखा दूँगी। हीप्ड, ठीक है। आप इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, बहुत अच्छी तरह से, और प्लीज़ आपको इसको छोड़ना है। घंटा तो लाजमी छोड़ना है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसको फ्राई करूँगी। ब्रेक भी आ गई है यहाँ पे, बस मैं इसको छोड़ रही हूँ, 5-10 मिनट तो छोड़ती हूँ, मसाला लगा के तेल चढ़ाती हूँ, और इसको हम फ्राई करेंगे, ठीक है। शैलो फ्राई करेंगे, और जो इसका मसाला बचा हुआ होगा उसको भी हम बाद में क्या करेंगे वो आप देखिएगा, ठीक है। तो ब्रेक है, ब्रेक के बाद आके इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा है। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली रेसिपी चिकन चरगा कढ़ाई के लिए हमने चरगे को मैरिनेट कर लिया है। 1 किलो चिकन ली, साबुत लेना चाहें, चरगा साबुत होता है, आपकी मर्ज़ी, आप ही साबुत ले सकते हैं, बस ज़रा सा उसको सर्विंग में मसला होता है, और कोई परेशानी नहीं है।
तो हमने चार पीस करा लिए तिक्के के और उसको कट्स लगा दिए। अगर साबुत लेंगे तो भी कट्स लगाना है। मैरिनेट किया उसको नमक 1.5 टीस्पून, मीट टेंडराइज़र, गोश्त गलाने का पाउडर या कचरी पाउडर 2 चाय के चम्मच लेवल करके, अदरक लहसुन इटालिया का 1 टेबलस्पून, और जो तलहार मिर्चें होती हैं उसको 2 मैंने लेके पानी में, गर्म पानी में भिगो लिया था आधा कप में, और फिर उसका डंठी और उसके बीन झटक के उस मिर्चे को पीस लिया उसी पानी से, ठीक है। और वो मैंने इसमें पूरी डाल दी, और दही 4 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, चरगा मसाला 1 टेबलस्पून हीट, ठीक है। अब मैं तेल लूँगी इसको शैलो फ्राई करने के लिए। हाफ कप इटालिया का पोमेस ऑलिव ऑयल, से ज़्यादा मुश्किल है इधर आए, कोई बात नहीं, फिर एक अलग से कर लूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत करम एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। वेलकम टू मसाला मॉर्निंग्स। जी, और आपकी सारी रेसिपीज में ट्राई करती हूँ। अच्छा जी, और आपके खाने मुझे बहुत पसंद आते हैं, मेरे घर वालों को भी। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपका बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी दे, आप बहुत अच्छी हैं, अल्लाह पाक हमारे सरों पे आपको बिठाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकअल्लाह। सेहत के साथ दुआ कीजिए, मोहताज ना करे, अल्लाह पाक सेहत वाली जिंदगी दे। आमीन, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी तरह से इसको 10 मिनट फ्राई करूँगी, 5 मिनट एक साइड पे टर्न करूँगी, 5 मिनट दूसरी साइड पे, फिर इसको मैं निकाल लूँगी, ठीक है। फिर इसको मैं निकालूँगी और ये वाला पीस डाल के इसको भी हम फ्राई करेंगे, और फिर इसके बाद हम बनाएंगे इसका मसाला, इंग्रेडिएंट्स का मसाला। कढ़ाई भी तो बनेगी ना, खाली चिकन कच्ची तो नहीं खाएंगे। आप देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ। आज हमारा लास्ट शो है, ठीक है। हाँ, वो बता रही हूँ मैं, लाइव हम एक हफ्ते की हमें अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टी है, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ काम होगा, फ्यूमिगेशन होगा, काफ़ी सारे काम हैं। जाहिर बात है इतना बड़ा चैनल है, तो एक हफ्ते की ऑफ है हमें, लेकिन शो सारे लाइव चलेंगे, जो हमने आप लोगों के लिए स्पेशली
रिकॉर्ड करवाएं, इतने बेहतरीन हैं। मैंने कल भी बोला था प्लीज़ मंडे से शो मिस नहीं करिएगा, बहुत मेहनत की है, सारी नई रेसिपीज़ हैं रोज़ाना, और अगर आपने एक दिन भी मिस कर दिया वो रेसिपी आपको नहीं मिलेगी, ये याद रख लीजिए। तो ज़रूर देखिएगा, दोनों टाइम देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और फिर इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करेंगे 10 अक्टूबर से लाइव, एक बहुत ही खूबसूरत से नए अंदाज के साथ, नई रेसिपीज के साथ, नए किचन में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही चेंज अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। हमारे साथ बहुत सारे नए टैलेंट्स भी होंगे, नए जिन्होंने मसाला टीवी अभी ज्वाइन किया है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह प्रोमो से पता चल जाएगा, प्रोमो चलेंगे नेक्स्ट वीक से ही, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। देखा आप कितनी खूबसूरत कलर आ रहा है ना, इसी तरह कलर आना चाहिए। थोड़ी देर कवर कर देती हूँ ताकि थोड़ा सी गलावट पे भी आ जाए, हालांकि मीट टेंडराइजर डाला हुआ है, गलेगा, चिकन है वैसा भी। अच्छा, जब तक ये फ्राई हो रही है मैं आपको इसका मसाला समझाती हूँ। इसके मसाला के लिए आपको घी या मक्खन चाहिए, यहाँ मेरे पास मक्खन रखा हुआ है। अच्छा, सब में पहले मैं हरी मिर्चें फ्राई करके निकाल लूँगी, 6 मोटी वाली जो कढ़ाई में, जी बेटा, जो हरी मिर्चें कढ़ाई में हम डालते हैं वो वाली हरी मिर्चें हम फ्राई करके निकाल लेंगे, और फिर उसी बटर या घी में आप 1-1 टेबलस्पून करके दही डालेंगे, एकदम से नहीं उंडेलनी है, पानी छोड़ेगी, 1-1 टेबलस्पून करके डालेंगे, और जो इसमें ये बचा हुआ मसाला है वो पूरा जाएगा, ठीक है, इसको ज़ाया नहीं करना है, वो पूरा मसाला उसमें जाएगा। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट मज़ीद डालेंगे हम इटालिया का, और बाकी के जो ड्राई मसाले, चरगा मसाला पड़ा हुआ है वो जाएगा इसमें, और उसके बाद नमक थोड़ा सा जाएगा, और ये सब कुछ डालने के बाद चाट मसाला जाएगा, ये सब डालने के बाद हम फ्राई की हुई चिकन को डाल के और दम पे छोड़ देंगे। इतने मज़े की ये कढ़ाई बनेगी दही में, देयर इज़ नो टोमेटो, नथिंग। और इसको आप चाहें तो राइस के साथ सर्व करें, आप चाहें तो नान के साथ सर्व करें, प्लेटर बना के सर्व करें, आप इसको चरगा प्लेटर बना लीजिए, कढ़ाई प्लेटर, एक प्लेटर में आप नीचे चावल रखें, बीच में चिकन रखें, साइड में उसके पोटैटोस, आलू रख दीजिए या हरी मिर्चें खूब सारी फ्राई करके रख दीजिए, इस तरह से भी आप उसको खूबसूरत और प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं आप बनाएं, ठीक है। ब्रेक आ चुकी है, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, उसको मैं निकालती हूँ और ब्रेक में मैं ये डाल के उसको फ्राई करती हूँ, इंशाल्लाह जब तक भी हो, जब तक वो भी हो जाएगी। जी जनाब, वेलकम बैक। चिकन चारों पीस फ्राई हो गए हैं, थोड़े से तेल में मैं ये मोटी वाली हरी मिर्चें फ्राई कर रही हूँ। जब आप इसको फ्राई करें प्लीज़ ढक के करें, वरना ये फट फट कभी फट जाती है तो खुदा ना खास्ता आपकी आँख में इसका बीज ना चले जाए, मुझे बहुत डर लगता है, ठीक है, तो ज़रा संभाल लीजिएगा। ये देखें, बस मैं बंद कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब वो जो तेल हमारे पास बचा हुआ है थोड़ा सा, जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया है, उसमें मैं थोड़ा सा बटर भी डाल रही हूँ लूर पाक का, ताकि बहुत ही मज़े की कढ़ाई बने।
थोड़ी थोड़ी दही डालते जाएं और भूनते जाएं उसको। फिर हम इसमें चरका मसाला डाल देंगे 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैंने मैरिनेशन में लिया था, 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्लाह का बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो कढ़ाई बना रही हैं, चरगा कढ़ाई। हेलो जी जी बोलें। जो आप चरगा कढ़ाई बना रही हैं, इसमें मसाला जो बच जाता है इसको उसमें डालना वासी। ये देखे डाल रही हूँ आपके सामने जी। चला गया इसमें। अच्छा जाया थोड़ी करेंगे। नहीं नहीं ठीक है ना, इसी में चला गया। सही। अब इसी को हम अच्छी तरह भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें मैं चिकन वापस डाल दूंगी इसमें जी। इसी के बाद भूनने के बाद चिकन जो फ्राई की हुई इसी में डाल दूंगी। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, जज़ाकअल्लाह। ठीक है, इसमें चाट मसाला जाएगा 1 टीस्पून। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा, मैं 1 टेबलस्पून नहीं डालूंगी, टू मच हो जाएगा, मैं हाफ डाल रही हूँ। ठीक है, और नमक 1/2 टीस्पून है, मैं बिल्कुल भी नहीं डाल रही बिकॉज चरगा मसाला अच्छा खासा नमकीन होता है। नमक आप अपने मसाले में से काट दो। देखें ज़रा भी दही नहीं फटी, थोड़ी थोड़ी करके डाली ना, एकदम से डाल देंगे तो वो कड़ल हो जाएगी। इसको आप ज़रा सा भून लीजिए। भूनने के बाद फिर हम इसमें ये फ्राई की हुई चिकन डाल के इसको दम पे छोड़ देंगे। आखिर में हम इसमें जब चिकन हो जाएगी तो ये फ्राई की हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया और गरम मसाला पाउडर, नहीं सॉरी 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 माफ़ कीजिए, गरम मसाला पाउडर नहीं है, चाट मसाला पाउडर। मैंने आपको बता दिया सर्विंग का, आप इसका प्लेटर भी बना सकते हो चावल के साथ। प्याज रख दीजिए साइड में, टमाटर, नींबू, बहुत मज़े का लगता है यार, नान के साथ खाइए। मसाला होगा, मसाले वाली कढ़ाई है ये। आप कलर देखें, जस्ट सी द ब्यूटीफुल कलर, इतना प्यारा कलर आया है फ्राई में। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी जी। चलें जी, इसको बस अब हम बंद कर रहे हैं। आखिर में इसमें जाएगा हरी मिर्च, हरा धनिया और चाट मसाला। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है बेटा। ठीक है आपा, मैंने ना ये आपको कहना था कि आप बेफिक्र हैं कि 10 डेज आपका प्रोग्राम नहीं देखेंगे, लाजमी देखूंगी प्रोग्राम। मैं तो सारे काम खत्म कर लेती हूँ 11 बजे तक, इसलिए कि आपका प्रोग्राम मुझे मिस नहीं करना हो। तो आप उठती कब है सुबह? मैं सुबह अपनी बेटी को स्कूल भेजती हूँ ना, तो उसके बाद घर के सारे काम करती हूँ। तो खाना उस वक्त पका लेते हो?
जी नहीं, खाना मेरे यहाँ शाम में बनता है खाना, तो मैं इस टाइम पे ना फिर घर के कामों से फारे हो जाती हूँ। अच्छा, तो फिर मैं इस टाइम आपके प्रोग्राम के लिए मैं कोई दूसरा काम नहीं करती, मैं 1.5 घंटे में कोई कॉल भी और अटेंड नहीं करती। मुझे ये होता है कि बस मुझे आपका प्रोग्राम देखना है। तो कल मैं आपकी सारी रेसिपीज दाल की देख रही थी, आपने दाल भी जो कराया था ना, तो मेरा ये था कि मैं ये सिंधी दाल पकवान आपने बताया था मुझे जी, इतना अच्छा जी, लगा जी, तो मैं इंशाल्लाह ना इसी वीक में ट्राई करूंगी। ठीक है बेटा, ठीक है जरूर। वो भी और मसाला खिचड़ी दोनों वो बहुत मजे की बनती है, इंशाल्लाह बनाने मसाला खिचड़ी जरूर बनाइएगा, बहुत मजे की होती है। हाँ मैंने एक बार उस वक्त बनाई थी जब आपने सिखाई थी, बस उस वक्त ही बनाई हुई, लेकिन इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अच्छा जी, अब हम आते हैं आज की दूसरी रेसिपी पे। हाँ ले लो बेटा, मुझे कढ़ाई भी चाहिए। अच्छा जी, अब हम आएंगे, हमारी दूसरी रेसिपी है बिहारी कोरमा। इसके लिए मुर्गी मुझे 1 किलो चाहिए, लेकिन बड़े पीसेस चाहिए, लाइक 1 किलो मुर्गी के 8 टुकड़े, 12 भी नहीं करिएगा, 8 टुकड़े। जो कोरमा होता है उसमें बड़े पीसेस अच्छे लगते हैं, ठीक है। अच्छा मैं आके आपको फिर प्याज का समझाती हूँ, तो लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। जनाब वेलकम बैक, एक नज़र इसको मारती हूँ, कुक में पे आती हूँ। ये एंड में डालूंगी ताकि ग्रीन ग्रीन रहे और खाने में भी मज़ा आए, वरना फुस हो जाती है तो मज़ा नहीं देती, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं बिहारी कोरमे पे। 1 किलो चिकन, जिसके आप 8 या 12 टुकड़े कराइएगा, उससे छोटे नहीं कराइएगा, ठीक है। अच्छा हम सब में पहले घी लेंगे, और घी में देखिए कोरमे जो होते हैं, कोई भी कोरमा हो, वाइट कोरमा हो, शादी वाला कोरमा हो, रोगनी कोरमा हो, एनी हैदराबादी कोरमा हो, एनी कोरमा प्रेफरेबल होता है कि वो घी में बने, प्रेफरेबल। लेकिन ऑफकोर्स हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज के वजह से अगर आप ऑयल में भी बना लो तो दिस नो हार्म, ठीक है। 19-20 भी फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ ज़रा सी खुशबू जो घी की होती है और फ्लेवर होता है वो आपको ऑयल में नहीं मिलेगा, बस, वरना कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा हम यहाँ लेते हैं कढ़ाई, और हम इसमें डालेंगे ऑयल, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 1/2 कप, और साथ में मैं थोड़ा सा बटर भी डालूंगी ताकि वो मुझे फ्लेवर दे दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बेटा बोलो। अब आपकी रेसिपी अच्छी होती है, सारे मैं ट्राई करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। और आपा मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, ओरिगेनो किसे कहते हैं? ओरिगेनो जी किसे कहते हैं? ओरिगेनो अजवाइन के पत्ते। अजवाइन के पत्ते, अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया बेटा। रेसिपी बना रही है, मैं वो भी ट्राई करूंगी। जरूर करना बेटा, जरूर करना। थैंक यू बेटा। अच्छा घी डाल दिया, सॉरी मक्खन डाल दिया 1 औंस जितना, और बाकी मैंने 1/2 कप इटालिया का पोमेस ऑलिव ऑयल डाला। ये स्पेन में बनता है, असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। आपके दिल के लिए, आपकी सेहत के लिए ऑलिव ऑयल बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा होता है। इटालिया के पास 3 किस्म के ऑलिव ऑयल हैं, एक पॉमेस है, एक एक्स्ट्रा लाइट है, और एक एक्स्ट्रा एक वर्जिन ऑलिव ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन। तो तीनों ऑलिव ऑयल आप जिस हिसाब से जिसमें यूज़ करना है आप करें, लेकिन पॉमेस ऑलिव ऑयल में खाना पकाया जाता है, डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग, बेकिंग, हर चीज़ मैं पॉमेस में करती हूँ, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, प्लस एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत ज़्यादा इटालियन ने निकाल दी हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, जिंजर का पेस्ट। उसके बाद में आप इनके मसाले देखें, सारे ऑरिगैनो है, पेपरिका है, ब्लैक पेपर है, मतलब बहुत 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 कुछ है इनके पास, इनके कैन फ्रूट्स और इनका वेजीज। तो आप भी इटालिया का इंतखाब कीजिए, इटालिया यूज़ कीजिए।
अच्छा ये हमने ले लिया, इसमें मैं चिकन डाल रही हूँ और चिकन को मैं ज़रा जलाया तक नहीं, इसको मैं फ्राई करूँगी चिकन को 5 मिनट, ज़रा सा इसमें कलर आने लगे गोल्डन तो हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। मिसेज यासिर बात कर रही हूँ भावलपुर से। बोलो बेटा। आपा मैं आपकी बहुत बहुत आपके शौक से देखती हूँ प्रोग्राम्स, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है आपके खाने, मैंने आपकी बहुत सी डिशेस ट्राई की हुई हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छे का प्यार है। खाती हैं आप, पहले मैं अपनी सिस्टर से पूछती थी सब कुछ, अब मैं आपका प्रोग्राम जब से देखना शुरू किया है तो तब से मैं आपकी ही देखती हूँ। चल अल्लाह का शुक्र, बहुत मेहरबानी। आज मैंने बड़े डर डर के मिलाई है कॉल के, पता नहीं मिलती है कॉल के नहीं मिलती। मिलती है बेटा, मिलती है, लगन होनी चाहिए, बिल्कुल मिलती है, क्यों नहीं मिलती। बस मेरा छोटा बेबी है वो मुझे टीवी देखने नहीं देता, मैं बहुत कम देखती हूँ, फिर यूट्यूब में आपका देखती हूँ। अच्छा चलें अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी एक फायदा है आप लोगों के लिए यूट्यूब। जी ये अभी आपने मटन कोरमा पुलाव बनाया था, मैंने वो बनाया था। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका पालक कोफ्ता भी बहुत अच्छा बना था। अच्छा। बाकी चीजें भी मैंने चिकन की आपकी, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। चलो अल्लाह का शुक्र, इसी बहाने इसी तरह बच्चे खा तो लेते हैं ना, शुक्र है अल्लाह का। शुक्रिया बेटा, बहुत मेहरबानी आपकी। वन केजी चिकन 12 पीसेस, 8 करा लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। बहरहाल इसको आपको फ्राई करना है अच्छी तरह, 5-7 मिनट आप इसको फ्राई करें, जब तक कि कलर इसका चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा हम अपनी चिकन को निकाल लेंगे इस कढ़ाई में से। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, साबुत गरम मसाला जाएगा इसमें, फिर इसमें धनिया पाउडर, हल्दी जाएगी, नमक जाएगा, चिली पाउडर जाएगा, दही जाएगी और उसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। ठीक है, भूनने के बाद फिर हम इसमें लाल प्याज डालेंगे और जो हमने एक इसका मसाला पीस के रखा है वो डालना है। उस मसाले में क्या है मैं आपको एक साथ कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये मेरे पास खशखाश है पिसी हुई, ठीक है, पॉपी सीड्स ग्राइंडेड 1 टेबलस्पून, आलमंड पाउडर ग्राइंडेड 1 टेबलस्पून, उसके बाद कोकोनट पाउडर ग्राइंडेड ये रहा 1 टेबलस्पून। ठीक है, और इसमें हम डालेंगे फिर इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, अब वो आखिर में जाएगा, ये रखा हुआ है इलायची पाउडर, केवड़ा और ये सब बाद में जाएगा। अच्छा ये लाल प्याज रखी हुई है, ये दही रखी हुई है, बस पहले मैं इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँ। पता नहीं चूल्हे आज बहुत हल्के चल रहे हैं। अच्छा चलें, जब तक ये हो रहा है उसको टाइम लगेगा तो मैं खड़े होकर टाइम ज़ाया नहीं करूँगी, मैं आ जाती हूँ अपने मीठे की तरफ या सैलेड की तरफ, या ब्रेक ले लें। चलें ब्रेक लेके वापस आते हैं, आके फिर मीठा स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं दिखवाती हूँ कि गैस क्यों स्लो आ रही है। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई चरगा कढ़ाई होने वाली है, चूल्हा इसका मैंने हल्का कर दिया है, हल्का कर रही हूँ, दम पे रहेगी।
मैं सोच रही हूँ मैं भी कल घर पे यही बनाऊँगी। सैटरडे को मेरे बच्चे आते हैं ना, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, मिर्चें डाल दीजिए। चाट मसाला आखिर में डालेंगे, ठीक है। बस 5 मिनट्स के लिए दम पे है, देन मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गई है, फ्राई हो गई है चिकन, इसको हम निकाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सूफी। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, आप सुनाओ, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड आपा, जस्ट बिजी इन वर्क। अच्छा, दैट्स गुड। बहुत अच्छा लगा आपको देख के, एक एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है आपको देख के। हाँ, अब आप सिर्फ मुझे फ्राइडे को देख सकते हो ना। हाँ बिल्कुल, मैं आई मेक श्योर कि मैं देखूँ आपको, कितनी बिजी हूँ मैं ऑन फ्राइडेज एटलीस्ट। कुछ पकाया आपा? जो आप बनाती हैं मैं उसको अगले दिन मैं बनाती हूँ। ओके, ग्रेट ग्रेट। अल्लाह आप सबको खुश रखे एंड कीप वर्किंग आपा। लव यू। लव यू टू बेटा, टेक केयर बेटा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर कॉलिंग ऑल द वे बेटा फ्रॉम शारजा। अच्छा देखिए, ये हमने निकाल दिया, ठीक है। अब इसमें हम डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का। कितना जाएगा? वन टेबल स्पून, ठीक है। वन टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट चला गया। होल स्पाइसेस डालेंगे हम मिक्स। दो तीन काली मिर्चें डाल दें, दो तीन लौंग डाल दें, एक सिनेमन की स्टिक डाल दीजिए, दो छोटी इलायची डाल दीजिए, फिर धनिया, नमक, लाल मिर्च और हल्दी, ठीक है। धनिया जाएगा आपका, नमक जाएगा 1.5 टीस्पून, चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून और हल्दी 1/4। चिली पाउडर 1.5, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, बहुत थोड़ी सी बराए नाम, इसमें भी चूल्हा बंद करके थोड़ी थोड़ी दही डालेंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी दही डाल रही हूँ। दही आपको इसमें चाहिए टोटल 1 कप। अब मैं चूल्हा वापस खोल रही हूँ और इसमें मैं लाल प्याज डाल रही हूँ, मोटी मोटी क्रश की हुई, एकदम चूड़ा नहीं करना है, वरना आपका कोरमा दानेदार नहीं बनेगा। अगर आपको मेरा कैमरा करीब से दिखा दे तो आप इस प्याज को देखो, ये दानेदार प्याज है, ये देखो दाना बना हुआ है, इसमें दाना है, तो आपका कोरमा दाने वाला बनेगा। और इसको मैंने फ्राई किया और एक
उस पर निकाल दिया था बटर पेपर पे, और जब वो क्रिस्पी हो गई, पंखा नहीं चलाना है, ऐसे ही खुश्क रख दें, जब वो क्रिस्पी हो गई तेल अच्छी तरह निकाल लीजिएगा। तो फिर आप इसको बेलन से, मैंने इसको बेलन से क्रश किया है, कड़क होती है ना फौरन हो जाती है, आधा कप लाल प्याज, और अब हम इसमें डाल देंगे चिकन, बल्कि मैं ये मसाला भी डाल रही हूँ, खशखश, बादाम और नारियल, थोड़ा सा भूनेंगे। ये बंद हो गई, ठीक है, कढ़ाई बंद है, दैट्स रेडी। थोड़ा मसाला भून लीजिए, भूनने के बाद इसमें मैं ये चिकन फ्राई की भी डाल रही हूँ। वो 12 बज गया, चले इंशाल्लाह हो जाएगी ये। बस अब मैं इसमें अभी फ़िलहाल पानी नहीं डाल रही हूँ, बिकॉज ये अपने ही मसाले में ये अच्छा सा कोरमा तैयार होगा। लेकिन किसी ने आपको मना नहीं किया है, अगर चिकन गली नहीं है, अगर ज़रूरत है तो आप बिल्कुल आधा कप पानी डाल सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया है, ठीक है। अभी नहीं डाल रही, आई विल सी लेटर, ठीक है। चलें जी, ब्रेक आ गई है, ब्रेक से वापस आऊँगी, और ये तो 2 मिनट में सैलड बनेगा, जस्ट 2 मिनट्स, स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा देखिए, ये कोरमा हो रहा है लेकिन नीचे लग रहा था, ठीक है, तो मुझे पानी डालना लाजमी पड़ गया। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये थोड़ा लिक्विडी है, तो मैंने इसमें तकरीबन 3/4 कप पानी डाला है, ताकि मुर्गी भी गल जाए और ऑफ कोर्स लगे भी नहीं। अच्छा, ये बिहारी कोरमा आप मटन से भी बना सकते, बहुत मज़े का बनता है, गोट से 1 किलो मटन, वही मिक्स जैसा मैं बताती हूँ, चॉप्स ले लें, पुट ले लें, अदला ले लें, रान का गोश्त, है ना, बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा। और आपको कुछ भी नहीं करना है, ना बॉईल करना है, ना कुछ करना है, जैसा मैंने चिकन का बनाया वैसा आप बनाएंगे। गोश्त को आप 10 मिनट तक फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद आप गोश्त को निकाल के रख लीजिएगा, और फिर बाद में जैसे मैंने मसाले और सब डाला उसी तरह डाल के 2 कप पानी डालेंगे आप मटन में, और धीमी आंच पे छोड़ दीजिए, बस। लास्ट में इलायची पाउडर, केवड़ा वाटर, अदरक लंबाई में कटी हुई, और अंडे के साथ आप इसको सर्व करें, ठीक है, गोश्त से बहुत अच्छा बनता है। ओके, अब मैं आ रही हूँ चीज़ केक सैलड। ओके, आई नीड 1 packet of कोई सी भी चीज ले लें, क्रीम चीज, मैंने पक्की ली है। इसमें आप डालेंगे 1 packet ऑफ वेनिला कस्टर्ड पुडिंग मिक्स, लोकल, लोकल है, मैं नाम नहीं बता सकती, लेकिन लोकल मिलता है, ठीक है, ये रहा। और आप इसमें आइसिंग शुगर मैंने निकाल के रखी है इटालिया की, पुडिंग मिक्स में भी होती है शुगर, लेकिन थोड़ी सी डालिए, 2 से 3 टेबलस्पून, इसको आप अच्छी तरह दीजिए। थोड़ा सा वेनिला एसेंस,
अच्छा, इसमें फ्रेश फ्रूट भी पड़ता है, लेकिन कौन सा वाला आप इसमें फ्रेश फ्रूट डालेंगे? एप्पल्स डाल सकते हो, पीचेस डाल सकते हो, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, उसके बाद में आप इसमें इफ़ यू लाइक बनानास, आप बनानास डाल सकते हो, एनी फ्रेश चार पांच किस्म के अंगूर डाल सकते हो, चार पांच किस्म के आप फ्रेश फ्रूट डाल सकते हो, बिल्कुल फ्रेश फ्रूट से ये बन सकता है। एक कप हमें चाहिए क्रीम व्हिप्ड। कोई इस पे डेकोरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बिकॉज ये सैलेड है। आपको इसको सैलेड के तौर पे आप सर्व कीजिए, या आपकी मर्जी, आप डेजर्ट के तौर पे सर्व कीजिए। इसका सिरप नहीं जाना चाहिए। मीडियम टिन लिया है मैंने, एक इटालिया का मिक्स फ्रूट कॉकटेल। बस इसको अब आप बिल्कुल यक ठंडा करने रख दीजिए। अगर आपको इसको डेजर्ट की तरह यूज़ करना है तो आप शॉट ग्लासेस में भी डाल सकते हैं, और फिर थोड़ा सा ऊपर पाइप कर दीजिएगा। लेकिन अगर एज अ सैलड यूज़ करना है तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप शीरमाल के साथ सर्व करें, रोगनी रोटी, शीरमाल, साफ्तान, इलायची पाउडर, केवड़ा वाटर, थोड़ा सा अदरक अभी, थोड़ा सा ऊपर। अभी होगा ये, जब शो ख़त्म होने वाला होगा ना, 5 मिनट रह जाएंगे जब मैं इसको निकालूंगी। ये देखें हमारा वेनिला पुडिंग मिक्स जो हमने डाला है, उससे पता है क्यों डाला है, उससे वो फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें कितना थिक हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको सैलेड की तरह खाने में बहुत मज़ा आएगा। इसी के साथ वक्त आ चुका है ब्रेक का, तो हम जा रहे हैं, ये रिकैप है मेलिसा, रिकैप आ चुका है बस, तो ठीक है फिर मैं इसको भी निकालूंगी। रिकैप है ये, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद।
जी जनाब, वेलकम बैक। जो यहाँ पे खुशबू आ रही है, भूख लग रही है। वैसे ही खाने का टाइम हो जाता है 1 बजे तक। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है मेरे कोर्मे से और इस कढ़ाई में से कि मैं आपको क्या बताऊँ। प्लीज़ आज ही बनाइए। नेचुरली अब दो चिकन की चीज़ तो आज नहीं बना सकते, कोई भी एक चूज़ करें और सैलेड के साथ आज ज़रूर बनाइए, ठीक है? आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? चलें जी, दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त। बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा आप लोग मुझे, और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर आपसे कुछ दिन की छुट्टियों के बाद मुलाकात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत से माहौल में, खूबसूरत से किचन में, नए अंदाज के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।